हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नमिता और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं आलू के पराठे का एक रेसिपी। स्टफिंग बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कप आटा लेंगे, उस पर थोड़ा ऑयल, नमक और पानी डालकर गूंद लेंगे। इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। ऐसे करने से पराठा सॉफ्ट होता है। अभी हम स्टफिंग प्रिपेयर करेंगे। 2 बॉयल पोटैटो लेंगे, उसको स्मैश करेंगे। 1 ऑनियन को पतला पतला स्लाइस करेंगे। 1 ग्रीन चिली को छोटा छोटा पीस करेंगे। 1 गाजर को ग्रेट करेंगे। थोड़ा कसूरी मेथी लेंगे। अभी हम स्टफिंग प्रिपेयर करेंगे। पैन में थोड़ा ऑयल, पैन में थोड़ा ऑयल हीट करेंगे। ऑनियन डालेंगे, ग्रीन चिली डालेंगे, थोड़ा हल्दी पाउडर, चिल्ली पाउडर, करी पाउडर, स्मैश पोटैटो, थोड़ा नमक, ग्रेटेड कैरेट, डालकर फ्राई करेंगे। 2 मिनट के लिए थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे। ये हो गया हमारा स्टफिंग रेडी। हम आटे का लोई बनाकर रोटी बनाएंगे। किनारे थोड़ा पानी लगाएंगे। उस पे स्टफिंग देंगे।
इसे किनारे को दबा देंगे हल्के हाथ से। ऐसे करने से स्टफिंग निकल नहीं आता। हम पराठा को सेकेंगे। हाई फ्लेम पे सेकेंगे। फ्लेम को थोड़ा मीडियम करेंगे। थोड़ा ऑयल डालेंगे। देसी घी डालेंगे। अभी हम प्लेटिंग करेंगे। घर का दही पे थोड़ा नमक और गार्निश के लिए कटा हुआ गाजर, थोड़ा अचार लेंगे। ये हो गया हमारा आलू का पराठा।